नमस्कार समाचार एक्सप्रेस पर मैं आपके साथ नेहा वर्मा। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इसमें पायलट और को पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में विमान के दो टुकड़े हो गए, जिसमें पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई। विदेश के राज्य मंत्री व मुरलीधरन ने शनिवार सुबह कोझिकोड पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसी बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारी ने बताया कि मलबे से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद किया गया है। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को हासिल करने के लिए फ्लोर बोर्ड को काटा जा रहा है। बहरहाल नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने समाचार एजेंसी से बात की और उन्होंने बताया कि इस हादसे में दो पायलटों समेत 18 लोगों की मौत हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 127 लोग अस्पतालों में भर्ती है। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए पुलिस एनडीआरएफ और अग्निशमन दल की कई टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और 24 एम्बुलेंस की गाड़ियां घटनास्थल पर घंटों बचाव कार्य में लगी रही। शुक्रवार देर रात तक राहत और बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाल लिया गया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घायलों को मल्लपुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। यात्रियों को निकालने के बाद अब विमान का मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगर विमान में आग लग गई होती तो काम और भी मुश्किल हो जाता। हवाई अड्डे कोझिकोड इंटरनेशनल पर यह हादसा कैसे हुआ? असल में वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस XAB 1344 बोइंग 734 दुबई से कोझिकोड आ रहा था। दुबई से 184 यात्रियों और दो पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा। एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और दो टुकड़ों में बट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। DGCA के डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के पायलट और को पायलट की इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं केबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए हैं। केरल के DGP ने बताया कि 18 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग मलबे में भी फंसे हुए थे। हादसे की पुख्ता वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान रनवे को पार कर लिया गया। विमान में 10 नवजात बच्चे भी सवार थे। दरअसल कोझिकोड का रनवे ज्यादा लंबा नहीं है। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, भारी बारिश हो रही थी, रनवे पर पानी भरा था। ऐसे में दुबई से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान शाम को करीब 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा था। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। हालांकि गनीमत रहे कि इस दौरान विमान में आग नहीं लगी। हादसे के बाद फौरन बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। कुछ देर बाद NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की और एयर इंडिया एक्सप्रेस से मिली जानकारी के अनुसार दुबई से आ रहे इस विमान में 10 नवजात और 6 क्रू मेंबर समेत 191 यात्री सवार थे। राहत और बचाव कार्य के लिए कोझिकोड के लिए एक NDRF की टीम को रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक यह प्लेन दुबई से शाम 4:45 पर उड़ा था। शाम को 7:41 पर लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा। घाटी में गिरने के साथ ही प्लेन के दो टुकड़े हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में भारी बारिश के कारण रनवे पर जल भराव हो गया था। इसी वजह से प्लेन रनवे से आगे निकल गया और यह हादसा हो गया। NDRF की टीम के DG SN प्रधान ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि यह कोझिकोड में एक टेबल टॉप रनवे है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सभी यात्रियों के बीच चोटें आई हैं, उसमें से कुछ बेहोश हैं। खोज और बचाव अभियान में शामिल होने के लिए NDRF की एक टीम को घटनास्थल पर पहुंचाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो। केरल के मुख्यमंत्री पिनीर विजयन से इस संबंध में बात की गई।
अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है और इस तरह की संभव मदद दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एनडीआरएफ की टीम को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने को कहा गया। विमान दुर्घटनास्थल के बाद दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। Being all across Kerala today, so obviously there must have been a lot of water on the runway. The plane landed, I think, on the second attempt, and then it slowed down, and then of course it skidded off the runway and it went down a precipice, and the front portion of this plane got split. And I'm told either of the pilots is dead. I mean, you got to really reconfirm whether this is true or not. This is what I learned from sources. The other pilot is injured. So all those people sitting in the front rows, I'm told, are seriously injured. And now, very, very lucky, very providential that the plane has not caught fire, because that's what happens generally. It's very providential. So all the people, I'm told, have been rescued and they've been taken to Calicut Medical College, and there are many, many hospitals in Calicut which are very, very good. I'm told, and again, we have to reconfirm from my sources that two people had died, maybe three. I'm not even very sure. I mean, this is what I learned from my sources. This basically from media sources I learned this. But of course, many people are seriously injured. That's what I learned. And some people have minor injuries. And anyway, it's very lucky that plane didn't catch fire. I think that's very, very providential. Yes, Pinarayi Vijayan and the Prime Minister, everybody has basically been in touch with the Kerala Chief Minister, Kerala administration, and they are doing everything possible. ये केरला में आज दूसरा ट्रेजेडी है। सुबह में मुन्नार में ट्रेजेडी था, 80 लोग और लैंडस्लाइड में सारा उसका खारको ऊपर में मटी आया है। 15 लोग डेड हैं और 15 लोग को उधर से रेस्क्यू किया है, बट अभी भी 50 लोग को मिसिंग है, पता नहीं है। और शाम को 7:38 को दुबई से फ्लाइट वंदे भारत फ्लाइट लैंड किया है कैलिकट में, और सेकेंड अटेम्प्ट में लैंड किया है। इसके बाद स्लो डाउन किया, ज्यादा पानी था रनवे में, स्लो डाउन किया। उसके बाद वो रनवे से स्किड हो गया और वो उसके बाद वो बाहर गया और एक डिच था, बहुत ज्यादा डेप्थ डिच था, उसमें गया। उसका प्लेन का फ्रंट पोर्शन स्प्लिट हो गया और मेरा इन्फॉर्मेशन है एक पायलट डेड है। आप तो रिकन्फर्म कीजिए तो सही है नहीं है, सही है मुझे पता नहीं है। और फ्रंट पोर्शन में प्लेन पे फ्रंट पोर्शन में जो लोग था उसको सीरियस इंजरी है, और उसको बहुत लकी है, बहुत भगवान का काम है, प्लेन को आग नहीं हुआ है, इट्स नॉट ऑन फायर, इसलिए तो सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए तो चांस था। इसलिए तो इस एयरपोर्ट से कैलिकट सिटी 25 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, उधर में मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल्स है। सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर का सारा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन दिया है ठीक से इमीडिएट एक्शन के लिए, और चीफ मिनिस्ट्री से भी इंटरव्यू किया है और सारा ऑपरेशन चल रहा है। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी, पैसेंजर मैंने फेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे, और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक लाने रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए, लोगों का भी सहयोग रहा है। और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज़ को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं जानकारी, मैं अभी खुद जा रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो दो टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.